मथुरा बलदेव थाना इलाके की यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। माइलस्टोन संख्या 125 पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराई, 12 सवारियां हुई घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। बस में सवार थी करीब 40 सवारियां। नोएडा जाते वक्त हुआ हादसा। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसा देखने को मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर अधिकतर हादसे से सुबह के वक्त होते हैं। ज़्यादातर हादसों में चालकों को नींद लगना हादसे का कारण होता है। आज सुबह आगरा से नोएडा की तरफ जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और बस डिवाइडर के पास बल्ले अंडरपास की रेलिंग पर लटक गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में करीब 1 दर्जन सवारियां घायल हो गई, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 40 सवारियां सवार थीं। सवारियों की चीख पुकार सुनकर घटना स्थल यमुना एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण हुआ है। बस तेज रफ्तार में चल रही थी, अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आई और गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर बने अंडरपास की रेलिंग पर लटक गई। बस जिस तरह रेलिंग पर लटक रही है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऊपर से बस नीचे गिरती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जिसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। परंतु गनीमत यह रही कि बस रेलिंग पर लटक ही रही है, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आगरा से नई दिल्ली के लिए जा रही थी। 50 आदमी के लपेट में है। अच्छा, पूरी बस भरी होगी हमारी। अब ये पता नहीं कितने घायल हुए कितने नहीं। इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी? आप बस ड्राइवर की लापरवाही मानी जाएगी, किसकी लापरवाही मानी जाएगी? अब ये तो देखो, कह रहे कुदरत का वो गए, कह रहे उसका उस अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया उसे, वहाँ लाइट नहीं थी, कह रहे। अच्छा, हाईवे पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। ठीक सर, ये एक एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग घायल हैं इसमें? ये जनपद मथुरा में थाना बलदेव के अंतर्गत नोएडा से आगरा से नोएडा की तरफ 125 किलोमीटर पर ये बस डिवाइडर से टकराई है। यह बस बबीना से नई दिल्ली जा रही थी और इसमें सारे लोग लगभग एक ही परिवार के हैं और यह आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं। ये बेसिकली करीब 5 बजे के लगभग की घटना है, जो बस डिवाइडर से टकराई और कुछ भाग डिवाइडर के बीच में वो लटक भी गई, जिससे करीब 10 लोगों को चोटें आई हैं और इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये किसी की गंभीर हालत बताई जा रही है सर? हाँ, एक व्यक्ति नेती अस्पताल में गया है और लगभग 3-4 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनको गुमशुदा चोटें हैं। लेकिन अब डॉक्टरों के हिसाब से जो भी कहा जाए, सभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन कोई सर किसी की कैजुअल्टी वगैरह कोई नहीं? कैजुअल्टी सूचना ऑन द स्पॉट नहीं है, ना अस्पताल में अभी तक है, क्योंकि हम मौका मुआयना वहाँ भी किए हैं, जो हमारा हाईवे एक्सप्रेस वे है। इसके अलावा मैं अस्पताल में ही देख रहा हूँ, अभी ऐसी कोई सूचना कैजुअल्टी।